आज की रेसिपी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज हम बनाएंगे केरला स्पेशल फुलजार सोडा स्पेशली फॉर द समर सीजन। फुलजार सोडा कूलर ड्रिंक की सबसे स्पेशल बात यह है, जब भी हम इसके शॉट ग्लास के साथ सोडा मिक्स करते हैं तो इसके झाग ऊपर तक निकल के आते हैं, जो देखने में बहुत अच्छे लगते हैं और इसे इसी तरह से पिया जाता है। इसे बनाना बहुत ही आसान है, आई एम श्योर आप सभी को भी यह रेसिपी बहुत पसंद आएगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संध्या स्ट्रीम किचन। प्लीज सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड आल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी फुलजार सोडा। बेसिकली फुलजार सोडा में हरा धना, पुदीना पत्ता, हरी मिर्च, अदरक, शक्कर, नमक और रोस्टेड जीरा पाउडर का यूज किया जाता है। बट इसी के साथ ही मैंने इसे थोड़ा और रिफ्रेशिंग और कूलिंग बनाने के लिए इसमें कुकुम्बर यानी कि खीरा और पीपलमेंट टैबलेट्स यानी कि पोलो का यूज किया है। यहाँ आप देख रहे होंगे मैंने एक बाउल में हरा धनिया लिया है, उतनी ही क्वांटिटी में हमें पुदीना लेना है। एक हरी मिर्च लें, मैं यहाँ हरी मिर्च की क्वांटिटी थोड़ी कम ले रही हूँ ताकि हम इसे आसानी से पी सकें। आप चाहें तो हरी मिर्च की क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं। एक इंच अदरक का टुकड़ा लिया है, पीपरमेंट पाउडर अवेलेबल है तो वो ले लीजिए, अदरवाइज आप पोलो का भी यूज़ कर सकते हैं। 2 से 3 चम्मच हम इसमें शक्कर डालेंगे, थोड़ा सा सादा और काला नमक, 1 छोटी चम्मच भुना हुआ जीरे का पाउडर, 1 छोटी चम्मच काला नमक, स्मॉल साइज के छोटे खीरा को मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है, 1 से 2 टेबल स्पून नींबू का रस डालेंगे। फुलजार सोडा बनाने में आप भीगे हुए सब्जा के सीड्स का भी यूज कर सकते हैं, मैंने यहाँ सब्जा के सीड्स का यूज नहीं किया है। और इसी के साथ हम कोई भी प्लेन सोडा, स्पार्कलिंग वाटर जिसे कहते हैं, उसका यूज करेंगे। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पे। कोई भी मिक्सर का जार ले लीजिए। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे हरा धनिया, फ्रेश पुदीने के पत्ते डालेंगे। इस क्वांटिटी में 2 ग्लास फुलजार सोडा आराम से बन सकता है। हो सकता है कुछ लोग सोचे कि यह तो ग्रीन चटनी की रेसिपी दिख रही है, बट ऐसा कुछ नहीं है, आगे आके देखते जाइए होता है क्या। हरी मिर्च और अदरक डालेंगे, कटा हुआ खीरा डालें, आप चाहे तो खीरे को स्किप भी कर सकते हैं। बेसिक एंड ऑथेंटिक रेसिपीज तो आपको बहुत सारी मिल जाएंगी, बट मैंने सोचा क्यों ना मैं कुछ अपना ट्राई करूं। 3 से 4 पोलो डाल रही हूँ, पोलो डालना भी ऑप्शनल है। पर्सनली मुझे पोलो डालकर ये सोडा बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, इसीलिए मैं आपको भी सजेस्ट कर रही हूँ। अब हम इसमें 2 से 3 चम्मच शक्कर डालेंगे, आप इसमें पिसी हुई चीनी का भी यूज़ कर सकते हैं। एक नींबू का रस डालें, 1/2 चम्मच के करीब सादा नमक डालें, 1/2 छोटी चम्मच के करीब काला नमक, 1 छोटी चम्मच भुना हुआ जीरे का पाउडर डालेंगे और इसमें 1 से 2 आइस क्यूब डालेंगे। क्यूब की जगह आप चिल्ड वाटर या सिंपल वाटर का भी यूज कर सकते हैं। सभी इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से पीस लेंगे। पीसने के बाद इस पेस्ट को हम छोटे शॉर्ट्स ग्लासेस में निकाल लेंगे। हम इन्हें शॉर्ट्स ग्लासेस में क्यों निकाल रहे हैं, इसका रीजन मैं अभी आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। पेस्ट की कंसिस्टेंसी भी वीडियो में दिखाए अनुसार ही रखें। कोई भी एक बड़ा ग्लास लीजिए और उसके नीचे कोई भी बाउल या प्लेट रखिए। इससे जब ये सोडा ग्लास से बाहर निकलेगा तो काउंटर टॉप पे गिरेगा नहीं। आप यहाँ पे कोई भी प्लेन सोडा यूज कर सकते हैं, हमें उसे 3/4 यानी कि 70-80% भरना है और फिर ये जो शॉर्ट ग्लास हमने बनाया था उसे डालना है। और ये देखिए कैसे वॉल्केनो की तरह इरप्ट हो रहा है, कितना अच्छा लग रहा है ना। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, रिफ्रेशिंग और फ्रॉथी फुलजार सोडा बनके तैयार है। कि हमें सोडा फिल किए हुए ग्लास में ग्लास को डालना था, इसलिए हमने यहाँ पे शॉर्ट ग्लास का यूज किया है। इस रेसिपी में मैं आपको टिप देना चाहती हूँ कि जब भी आप फुलजार सोडा को सर्व करें तो एक बड़े लंबे ग्लास में से सर्व करें ताकि इसे बाहर निकलने के लिए अच्छे से स्पेस मिले। फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको आज की रेसिपी, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।